अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। ये वीकेंड का दिन है और जो है ये मैंने कुछ सब्जियां मंगवाई थी हस्बैंड से, और हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छी जगह से लेकर आए थे। जो मजरे से आते हैं ना फ्रूट्स वेजिटेबल्स, तो जो लेके गाड़ियों में खड़े हुए होते हैं उनके पास टमाटर ना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। तो खैर वो वहाँ से लेकर आए थे, और यहाँ पर मैंने चावल दो दो आप देख रहे होंगे भिगोए हुए, तो मैं एक ज़र्दा बना रही थी और बिरयानी बना रही थी, और आज ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी क्योंकि लेबर्स जो बाहर काम नहीं कर रहे होते उनके लिए मैं आज ज़्यादा खाना बना रही थी और ज़र्दा बना रही थी, तो जो है आज ज़्यादा काम था। अच्छा, फुल रेसिपी रिकॉर्ड नहीं हो सकी है क्योंकि इंशाल्लाह वो इन कमिंग रमदान में जो है ना मैं आप लोगों के साथ हर रेसिपीज़ जो जो बनाऊँगी वो ज़रूर शेयर करूँगी। खैर तो बस यहाँ पर मैंने ज़र्दे के लिए चावल उबाल रही थी और कलर भी डाल दिया था, बस इसकी जो है ये ड्राई फ्रूट्स डाल रही थी। और ये जो अशरफिया होती है ना मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं खाली भी खा लेती हूँ और बहुत ही कलरफुल लग रही होती है जर्दे में, तो स्पेशली ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और इसका अगर आप टूटी फ्रूटी का केक बनाए ना बड़ा ज़बरदस्त बनता है। खैर यहाँ पे ज़र्दा मैं दम पे रख रही थी ये सारी चीज़ें डालने के बाद, और जो है बस साइड पे जो है मैंने बिरयानी किनिया प्याज टमाटर ये सब कुछ काट दिए थे, क्योंकि जो है काफ़ी ये होता है कि ना टाइम इतनी जल्दी जल्दी गुजार रहा होता है, टाइम बहुत तेज़ी से गुजार रहा होता है और फिर काम आपको बहुत सारे करने होते हैं, प्लस आपके साथ अगर छोटा बच्चा भी हो ना तो फिर उस हिसाब से भी चलना पड़ता है। खैर यहाँ पर मैंने बिरयानी की जो ग्रेवी होती है ना वो तैयार कर दी थी, जिसको आप खोरमा बोल दें तो बेहतर होगा, तो मैंने तैयार कर दिया था। और जो है ज़र्दा यहाँ पे मेरा तैयार हो गया था, बिरयानी भी मैंने दम कर दी थी और दो जगह बनाई थी क्योंकि भगोना कम पड़ गया था, ज़्यादा क्वांटिटी में था तो मैंने ये दो भगोनों में कर दिया था बिरयानी ना, तो इस तरह से तीनों चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हो गई थी और हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर लिया था। खैर यहाँ से आज है और ये नेक्स्ट डे था, तो नेक्स्ट डे था ये 24 फेब, और आज के दिन हमने सुना था कि फायरवर्क्स होने वाले हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पहली बार फायरवर्क्स देखूंगी। वैसे तो वीडियोस में मैं देखती हूँ कि फायरवर्क्स हो रहे होते हैं न्यू ईयर पे, हो रहे होते हैं हर जगह हो रहे होते हैं, तो खैर आज है हम जा रहे थे KFD, तो जो है यहाँ पे हो रहे थे फायरवर्क्स, और जो है हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे क्योंकि हमें खाना वाना खाना था, फिर बच्चों को भी खाना खिलाना था, तो फिर ये होता है कि ना टाइम जो है एक तो तेज़ी से भाग रहा है और पता ही नहीं चला कि 9 समथिंग हो गए, होना 10 o'clock था, तो जो है बस हमें पहुँचते पहुँचते जो है ना तकरीबन 9:50 हो गए थे, और जो है इन्होंने सारे गेट्स बंद कर दिए थे, मतलब यहाँ इस जगह के ना कई गेट्स हैं और बस इन्होंने 3 वाला गेट ओपन किया था, तो बस हमें राउंड ले ले के फिर वहीं आना पड़ा क्योंकि हम 6 गेट से गए, पहले 3 गेट से गए थे लेकिन फिर हमें टर्निंग हमने गलत ले ली थी, फिर हम जो है दोबारा से आए हैं और इसी में फिर देर हो गई थी क्योंकि रश इतना ज़्यादा था मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि हर एक को पता था थ्रू इंस्टाग्राम के ज़रिए और टिकटॉक के ज़रिए हर एक को पता चल गया था कि यहाँ पे फायरवर्क्स होने वाले हैं और सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बस इस बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए थे, वेट कर रहे थे कि कब फायरवर्क्स होंगे। कुछ लोग पूछ भी रहे थे सिक्योरिटी गार्ड से कि होंगे नहीं होंगे, बस वो स्माइल करके हंस रहे थे और कोई जवाब नहीं दे रहे थे, तो सब कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या हो रहा है, क्या होगा नहीं होगा, सब ज़्यादा परेशान थे। बहुत सारे कैमरेज निकल गए थे और लोग इस बिल्डिंग के नीचे तस्वीरें वीडियोस बना रहे थे कि होंगे नहीं होंगे, और इसी उसमें 10 o'clock भी हो चुके थे और फायरवर्क्स नहीं हुए, कुछ लोग जाने की कर रहे थे लेकिन मैंने कहा कि नहीं हम लोग नहीं जाएंगे और वेट करेंगे फायरवर्क्स होंगे। पटाखा फूट नहीं रहा। अच्छा 15 मिनट्स हो चुके थे लेकिन नहीं हुए फायरवर्क्स, लेकिन मैंने कहा नहीं हम यहीं रहेंगे।
Thank you.
बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। फायरवर्क्स हुए तो सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी, बहुत ज़्यादा खुश हुई। यहाँ पे सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, सब ने क्लैपिंग्स की और जो है बस हम लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे क्योंकि हम लोग नाउम्मीद हो रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि नहीं 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 मुझे यकीन है कि होंगे फायरवर्क्स और हो गए थे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लोगों को भी इतनी पब्लिक देख के ना रहम आ गया कि नहीं हम लोग कर लेते फायरवर्क्स, और फिर फायरवर्क्स हो गए। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया, बहुत ज्यादा। और मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ 2-3 मिनट्स के लिए होगा लेकिन 5 मिनट्स तक फायरवर्क्स हुआ है और बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे जो एक्साइटमेंट होती है ना, मुझे देख के भी बहुत ज़्यादा खुशी हो गई थी, इतना बड़ा फ्लैग था। खैर अब हम घर की तरफ जा रहे थे और फिर हस्बैंड ने फिर इसी खुशी में मुझे ऑफ़र दी कि है ना आए चले मैं आपको कॉफ़ी भी पिलाता हूँ, तो बस कॉफ़ी पीते हुए हम घर की तरफ जाएंगे। और मैंने ये जो है कि FD का व्लॉग भी डाला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर जाकर देखिएगा, मैंने पूरा ओवरव्यू आपको कराया हुआ है तो वो व्लॉग जाके ज़रूर देखिएगा। और आई होप आपको मेरा आज का भी व्लॉग ज़रूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और जितना आते हुए रश था ना उतना ही जाते हुए रश था, क्योंकि पूरी पूरी जो है ना एक्सेलरेटर भी फुल हो रहे थे।